सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो काफी टाइम से गाइज मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, काफी टाइम हो गया, करीब 1 वीक होने जा रहा है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो गाइज अभी मैं कुछ कमीशन वर्क कर रहा था और मैं बड़े साइज पे भी वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि मुझे एग्जीबिशन में उसे प्रेजेंट करना है। सो गाइज मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं बड़े साइज में वर्क कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े साइज पे पेंसिल वर्क करूं, तो देखते हैं किस तरीके का बनेगा, मैं कौन सा मटेरियल यूज करूंगा, कौन सा पेंसिल यूज करना है मुझे और मैं कौन सा पेपर यूज करूंगा, सारा चीज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो आउटलाइन का ट्यूटोरियल होगा गाइस जो कि मैं आज बता रहा हूं। और अगर आपको इसका यही फोटो को अगर A4 साइज पे बनाना हो तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं A4 साइज पर भी इस पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल ले आऊंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बड़े साइज में पोर्ट्रेट बनाना है, देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ हो पाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो सारा चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैं जो पेपर यूज करने वाला हूँ, तो मैंने ये रोल लिया था, ब्रुस्टो ड्रॉइंग ब्रुस्टो कंपनी का ये पेपर है, तो मैंने रोल लिया था कुछ रोल इस तरीके का। मैं इस रोल पे पर्टिकुलर और वीडियो बनाऊंगा गाइज, क्योंकि अगर आपको बड़ा साइज का ड्रॉइंग करना है तो ये रोल बेस्ट है गाइज, क्योंकि आप डिफरेंट साइज में कट कर सकते हो। तो ये मैंने लिया था, तो अभी बड़े साइज में वर्क करना है तो मैं इसका ही यूज करूंगा। तो मैंने सोचा है कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाया था, ये पेंटिंग जो गौतम बुद्ध का मैंने बनाया था, इस साइज का किया जाए, तो मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ कि इसका साइज कितना है और मैं सेम उस पेपर को कट कर लेता हूँ सेम साइज पे। तो सबसे पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कौन से साइज का है, तो इसको चेक करते हैं, 24। सो गाइज मैंने ग्रिड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ इस तरीके का लग रहा है, पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन बिल्कुल मैंने लाइट ड्रॉ किया, ज्यादा डार्क नहीं करना है ड्रॉ, ठीक है। तो इसको मैं गाइज करीब मैं 18-24 के साइज पे बना रहा हूँ, मतलब 18 इंच और 24 इंच के साइज पे बना रहा हूँ। और मैं ये वाला रेफरेंस फोटो सेलेक्ट किया है, ये वाला मैंने इस स्कल्पचर का रेफरेंस फोटो सेलेक्ट किया है, तो ये मैं ड्रॉ करूंगा। और एक और चीज गाइज, ये तो मैं बना रहा हूँ इस बड़े साइज के पेपर पे, अगर आपको यही पोर्ट्रेट बनाना है A4 साइज के पेपर पे तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसका आउटलाइन का ट्यूटोरियल अलग से बना दूंगा, A4 साइज पे किस तरीके से इसका आउटलाइन बनेगा वो मैं बता दूंगा। बाकी जो शेडिंग पार्ट है, आप चाहे A4 में करो, A3 में करो, या फिर आप इस तरीके के साइज में करो, आपको सेम शेडिंग होगा। तो मैं A4 में आउटलाइन बना दूंगा, आप कमेंट करके बताना कि ये वाला फोटो आपको ड्रॉ करना है क्या, तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। और मैं इसमें जो शेडिंग करूंगा, जिस तरीके से करूंगा, सेम आपको A4 साइज के पेपर में करना है। तो चलिए गाइस अभी तो इस रेफरेंस फोटो पे ग्रिड अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके का बना है। जैसे मैंने इसमें 4-4 सेंटीमीटर का ग्रिड लिया है, तो अपने को क्या करना है कि इसमें भी 4 सेंटीमीटर का ग्रेड अप्लाई करना है। सो ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना है क्या है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में आगे बड़े साइज में वर्क करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो अभी सीधे मैं जाता हूँ एप्लीकेशन पे, देन क्लिक करता हूँ मैं इस फोल्डर पे, और यहाँ पे वर्टिकल ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए वर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया। और पेपर साइज पे जाके आपको क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, और आपको सिंपली पेपर का साइज का इंच नापना है कि कितने इंच का पेपर, उसको एमएम में कन्वर्ट करना है। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए काफी ज्यादा इजी है गाइस, 20 mm, जैसे मेरा 20 mm का 20 इंच का पेपर है, तो मैं 20 इंच 2 mm कन्वर्टर, वो जो आता है गूगल पे, वो मैंने किया। तो यहाँ पे मुझे मिला साइज 508 mm। उसी तरीके से 24 का क्या करेंगे, 24 का होता है 609, इतने mm होते हैं, ये आप गूगल से भी निकाल सकते हो। ये हमारे पेपर का साइज हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, अब आपको ओपन करना है, ओपन करते आपको सीधा जाना है जो आपका रेफरेंस फोटो, वहां पर जाना है। तो ये रेफरेंस फोटो रहा हमारा ये, और इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं इतना क्रॉप करूंगा जो कि मुझे इतना सुटेबल लग रहा है,
ये हमने सेलेक्ट कर लिया, देन करना है क्रॉप पे क्लिक। तो ये देखिए हमारा ये इजिली इस पर अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, मैंने पेपर पे 4-4 सेंटीमीटर का ग्रेड किया है, तो यहाँ पे जाके हमें 40 mm, 40 mm, ओके। तो ये हमारा ग्रिड अप्लाई हो गया। अब सेम क्या करना है, ये जो दिख रहा है लाइंस उसको यहाँ पर ड्रॉ करना। सो सारी ड्राइंग की तरह गाइस मैंने सबसे पहले इसमें मेजरमेंट किया कि कौन से बॉक्स पे हमारा आई स्टार्ट होगा, वो मैंने मेजरमेंट किया। उसके बाद वहां से मैं आई बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस ये काफी ज्यादा बड़ा साइज है पेपर का, तो मुझे एग्जैक्ट ओवरहेड वीडियो शूट करते नहीं बन रहा था, और अगर ऊपर से शूट भी कर रहा था तो आउटलाइन अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने साइड से शूट किया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, काफी इजी है गाइज, अगर आप बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे तो काफी इजी लगेगा। बस बिल्कुल हर एक चीज को अच्छे से देखना है कि कौन से बॉक्स पे कौन सा पार्ट आ रहा है और किस तरीके से उसे बनाना है, वो चीज आपको देखना है, जैसे कि आप इस आउटलाइन में देख रहे हैं, और सेम धीरे धीरे ड्रॉ करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। और कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस साइज के पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। Thank you.
आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।